तो पड़ जाएगी तुम्हें। Photo later after the Q&A, so we'd like you to cooperate. Thank you. Thank you, Mr. Singh. Thank you very much, everybody. The most important thing for me, and you know, I was traveling with Amir, we were talking in the car. You know, we have made films, I have made films now in this country for almost 37, 38, 39 years. But Broken Horses really is much more, it's not really a film for me, it's like a dream. और ये अजीब, आज सुबह मैं सोच रहा था तो जब मैं स्कूल में था तो हम सर बोलते थे ओम शनो देवी राबिष्टाये आपो भवन तुपीताये, तो डीएवी स्कूल में हम लोग पूरी धर्म शिक्षा करते थे और दसवीं जमात आठवीं जमात में एबीसी सीखा था, 16 साल के थे तो ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन एक इंग्लिश फिल्म हम लिख पाएंगे, डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे और फिर वहाँ के लोग जैसे मिस्टर जिम कैमरॉन हैं, अल्फोंसो कुआरोन, जिन्होंने देखी इतनी तारीफ करेंगे, तो मेरे लिए ये बहुत एक ऐसा सपना है कि इसको मैं फिल्म ही नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एक सपना है जो पूरा हुआ है। एंड द ओनली थिंग आई विल से एंड आई वोंट स्पीक फॉर टू लॉन्ग बिकॉज आई लाइक मिस्टर बच्चन एंड आमिर हियर, हु आई एम वेरी ग्रेटफुल दे आर हियर to speak, because सबसे ज़रूरी क्या है कि this is just a passion, it is really madness कि जब मैं और अभिजात जोशी लिखना हमने शुरू किया तो it was just complete madness कि हमने कहा अब हम इंग्लिश में फिल्म लिखेंगे और यहाँ हॉलीवुड में फिल्म बनाएंगे, मतलब उसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है कि हमने कैसे लिखना शुरू किया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मैं ये फिल्म लिख रहा था तो वॉट आई डिड, आमिर इज अराउंड मी, आई पुट सम ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द वर्ल्ड जस्ट टू साइक माई सेल्फ, देयर वाज चाइना टाउन, देयर वाज गॉडफादर, देयर वाज सिक्स सेंस, देयर वाज अकिरा कुरोसावा, देयर वाज फेलिनी, तो मैं जब भी कोई सीन लिखता था तो मैं और अभिजात जाके वो पढ़ते थे सम ग्रेट स्क्रिप्ट जस्ट टू साइक आर सेल्फ कि हमको अच्छा काम करना। तो वो करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा एंड में कि दिस इज अ फिल्म और दिस इज अ प्रोजेक्ट और दिस इज समथिंग दैट शुड टेल ऑल यंग पीपल आउट देयर कि आपके मन में जो कुछ भी हो, एनी पैशन, एनी मैडनेस दैट यू मे हैव इन योर हेड दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू ब्रोकन हॉर्सेज दैट इट्स पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली एंड टोटली पॉसिबल टू बी कंप्लीटली क्रेजी मैड, follow your passion and finally put a film like Broken Horses on screen. Thank you very much for being here. Let's say a few words a little later on, but right now just like to announce the launch of the first trailer of Broken Horses. वेल नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और विनोद की जो पहली अंग्रेजी फिल्म है वो लॉन्च की जा रही है, तो मेरी शुभकामनाएं विनोद के साथ, और इतने नामचीन और काबिल डायरेक्टर्स हैं
हॉलीवुड में जिन्होंने जिन्होंने फिल्म देखकर इतनी तारीफ की है. अभी जेम्स की बात हम सुन रहे थे, तो इट्स रियली वंडरफुल कि हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक फिल्म बनाई है जो इतनी पसंद की जा रही है. और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है फिल्म देखने के लिए. तो आइए हम इसका दूसरा ट्रेलर देखते हैं. For everyone who's here today, we've witnessed two trailers, and I'm sure that this fusion of Hollywood and Bollywood is on its way to creating history. We are now opening the session for Q&A, but our esteemed members are requested to stick to questions pertaining to Broken Horses, and we'd greatly appreciate that. और मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा चुननी पड़ी? मैं वो एक डायरेक्टर के तौर पे, एक लेखक के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ. जी क्या है कि एक, जैसा मैंने पहले कहा कि एक सपना था बचपन में जब हम डीएवी स्कूल में पढ़ते थे अमीरा का दिल श्रीनगर में, एक ये सपना था कि एक दिन हिंदी में सिनेमा बनाएंगे. फिर हम आए बम्बई शहर में और हिंदी फिल्म भी एक बनाना बहुत बड़ा सपना था. और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ हैं, क्योंकि इनको शायद याद होगा कि जब मैं बम्बई शहर में पहली बार आया था तो मैं अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके इनके पास गया था. ये आज भी बहुत बड़े स्टार हैं, तब भी बहुत बड़े स्टार थे. तो इन्होंने मोहन स्टूडियो में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी फिल्म देख लीजिए, और नटराज स्टूडियो में मैंने बुक किया था जगह. तो सारा दिन मैं वहाँ खड़ा रहा, वेट किया. इन्होंने शाम को अपनी गाड़ी में बैठे, मैं भी इनकी गाड़ी में बैठा जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था. मैंने बाथरूम यूज़ किया था चलती गाड़ी में पहली बार जिंदगी में. तो फिर हम गए, इन्होंने फिल्म देखी नटराज स्टूडियो में, मर्डर एट मंकी हिल, और मुझसे कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर. तो मैं बहुत हंसने लगा, मैंने कहा सर माई स्ट्रगल इज गॉट ओवर. तो एक वो सपना था कि एक फिल्म बनाएंगे. और अमिताभ बच्चन ने उस वक्त मेरा, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था तब उन्होंने इन ए वे मेरे को इतना इनकरेज किया. दैट्स व्हाई आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट ही इज हियर टुडे. एंड सेम वे आफ्टर परिंदा, आफ्टर 42, फिर एक और सपना मन में आया कि एक वहाँ फिल्म बनाए जहाँ, जिसकी वहाँ के लोग तारीफ करें. सो फिर वो इंग्लिश हमको उतनी अच्छी आती नहीं थी. अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं, वो विद्या विहार नो छोकरों हैं गुजराती में, और हम कश्मीर के हैं. हम दोनों हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं. तो हमने कहा इंग्लिश में लिखेंगे, तो लोग हम पे हंसने लगे. विक्रम चंद्रा जो हमारी वाइफ के बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर हैं, अभिजात को याद होगा जब हम पहले स्क्रिप्ट लिख के विक्रम को भेजते थे तो वो स्क्रिप्ट फाड़ फाड़ के हमको भेजता था और कहता था रबिश शिट, आपको याद है अभिजात? तो हम हंसते थे. एक बार उन्होंने एक पेज पे कुछ नहीं लिखा तो हम खुश हो गए कि हमारे पेज पे कुछ नहीं लिखा, भैया बहुत बड़ी बात है. तो जैसा मैंने पहले कहा, ये ऐसा सपना है जिसको देखना ही बहुत बेवकूफ़ी की बात है, और उसको पूरा कर देना मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द ओनली थिंग दैट ड्रोव मी रियली. मिस्टर चोपड़ा, आरजे आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम. आपके लेफ्ट में सवाल है कि आपका साइनिंग अमाउंट काफ़ी फेमस है कि आप एक रुपये दे करके भी साइन कर लेते हैं एक्टर्स को. तो इस फिल्म के लिए जो एक्टर्स आपने चुने हैं हॉलीवुड के, क्या किस तरीके की साइनिंग रही? अगर आप, let me tell you a story which is again unbelievable. Vincent D'Onofrio's agent told him not to board the plane. He was in New York and he told me, my agent is saying I'm not boarding the plane. So I said, but Vincent, where are you? He says, I'm in the plane, but don't tell him I'm in the plane. So all of them actually helped me make this film. Tom Stern, my cameraman, is Clint Eastwood's cameraman. He just made American Sniper. All of them came at literally half their salary to do this film. This film would not be possible without the crew actually joining hands like that and helping us. Sir, filmen jab angrezi filmen hindi mein release hoti hain to hindi naam bhi usko diye jate hain, to isko bhi koi aap hindi naam denge ya same title se? Ji main chahta hu ki ye film ki ek apni identity rahe. Broken Horses, aur Broken Horses thoda sa mushkil title hai lekin iska matlab main aapko bata dun ki jis waqt ek wild ghode ko tame karte hain na to bolte hain ki we have broken that horse.
तो ये एक इसकी जो प्योरिटी है वो मैं चाहूंगा जितने लोग इसको देखें कम ज्यादा, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेमा की प्योरिटी रिटेन करना चाहूंगा, तो ये इंग्लिश में ही होगी। मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर चोपड़ा, हेलो, दिस फिल्म, मिस्टर चोपड़ा, दिस फिल्म आई बिलीव इज वेरी क्लोज टू परिंदा, इजंट इट? आई मीन इट्स योर ओन फिल्म। Yes, it's not so close. It's not close. It's inspired. It begins with, actually, the Abhijat and me were traveling in a train in Boston. From Boston to New York, we were going, and on way, Eklavya the Royal Guard was being screened in Boston, and we had seen a film called Departed that Martin Scorsese had remade, and we kind of talked to each other. I went to get some beer, and I came back, and Abhijat was smiling at me and saying, "Let's do Parinda." So it started like that, but I think the film, while we made it, has become very different. Okay. But of course, that was our takeoff point. Mr. Bachchan, Amir, Hollywood, on your left, both of you. आप दोनों खुद हॉलीवुड फिल्में कितनी देखते हैं, considering आपके जो busy schedules होते हैं, and what was the last film that you both saw respectively, which you think really impressed you, which was a foreign film या फिर Indian film में ही थी? They have not seen Broken Horses. That's the only complaint I have, but I don't know. Well, actually, मैं फिल्में कम देखता हूँ. मुझे किताबें पढ़ने की ज़्यादा आदत है. लेकिन इस साल मैंने कई देखी हैं. इस साल मैं Birdman और Imitation Game और Whiplash. But my favorite film, जो अंग्रेजी फिल्म जो मैंने देखी हैं, my favorite film has been वो क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ. Broken Horses. नहीं नहीं उसका नाम है, अरे वो होटल यार, द ग्रैंड बुडापेस्ट. वेरी नाइस, द ग्रैंड, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म. ग्रैंड बुडापेस्ट होटल मुझे इतनी पसंद आई. वेस एंडरसन, बहुत बहुत प्यारी फिल्म है. वो मेरी फेवरेट फिल्म रही इस साल की. जितनी फिल्में इन्होंने देखी उतनी मैंने देखी. जितनी इन्होंने देखी उतनी मैंने देखी. मिस्टर बच्चन, कोई फेवरेट फिल्म आपकी इस हाल की, या फिर इस साल की, सॉरी गुजरे साल की, या फिर कोई एक फेवरेट हॉलीवुड? अभी तो साल का मध्य है, पूरा साल गुजर जाने दीजिए, फिर बताएंगे आपको कौन सी सबसे अच्छा. सर, आमिर का बर्थडे आ रहा है, इनका 50वां जन्मदिन आ रहा है, किस तरह विश करना चाहेंगे? 50 साल हो गए. हद हो गई है. वेलकम टू द क्लब. विदु सर, आपके लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में, सॉरी यहाँ पे, मधु फ्रॉम बीबीसी रेडियो. सर, मेरा दो सवाल है. पहला सवाल तो ये है, एज ए प्रोड्यूसर आप लगातार फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो आप काफी वक्त लेते हैं, ऐसा क्यों? पहला सवाल ये है. नहीं, मैं एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत वक्त लेता हूँ. 3 Idiots के बाद ऑलमोस्ट 5 साल लगे ना पीके को, ऑलमोस्ट 5 साल लगे. मैं ज्यादा फिल्म बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से असल में लिखने में बहुत वक्त जाता है. सी, क्या है कि हमारी फिल्में अच्छी बने या ना बने, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बहुत अच्छी फिल्म बनाएं, तो उसमें वक्त लगता है. ब्रोकन हॉर्सेज ऑल्सो टुक मी ऑलमोस्ट 5 years, पीके टुक अस 5 years, 3 Idiots हैज टेकन अस ऑलमोस्ट 4 years, तो वक्त लगता है. एकलव्य के बाद पूरे 8 साल लग गए आपको डायरेक्टर के जी, वो इसलिए लगे क्योंकि आमिर खान हमारी लाइफ में आ गए, तो हम 3 Idiots की तरफ चले गए, फिर पीके की, तो वो भी काम किया साथ में मिलके, तो उसके लिए ज़्यादा वक्त लगा. लेकिन अच्छा काम करने में वक्त लगता है. आप जब ये फिल्म देखेंगे ब्रोकन हॉर्सेस, आपको ये मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन फिल्म देख के आपको ये लगेगा कि हर एक चीज़ पे बहुत मेहनत की गई है, कई सालों तक मेहनत की. द लोकेशन दैट आई फाउंड, इट टुक मी 1.5 years. योगेश इज समवेयर हियर, ही मस्ट हैव ट्रैवल्ड गॉड नोज हाउ मेनी माइल्स ऑल ओवर. I myself have traveled more than 13,000 miles on that border. God knows how many miles, for how many months we just kept traveling. So everything we have really worked on. So it takes time. Sir, दूसरा सवाल ये था कि आपकी वाइफ खुद एक बेहतरीन क्रिटिक्स हैं. उन्होंने ये फिल्म देखी है और उनका क्या रवैया है? और मिस्टर बच्चन और आमिर खान से भी जानना चाहेंगे, उन्हें कैसी लगी फिल्म अगर उन्होंने देखी है तो? ये लोग अभी कल परसों देखने वाले हैं, because we just got the print. They have not seen the film. My wife and me have this very interesting pact के वो मेरी फिल्म ना ज़्यादा देखती हैं, जैसे पीके हो, या फिर वो ज़्यादा ना बोलती हैं, ना मैं उनसे ज़्यादा पूछता हूँ. वो अपनी दुनिया में जीती हैं, मैं उनके रिव्यू भी खास कर पढ़ता नहीं हूँ, ना ही उनका शो देखता हूँ, और मैं अपनी दुनिया में जीता हूँ, तो अच्छी कट जाती है हमारी.
Parinda, जब फिल्म आई थी तो I remember it was written as the most powerful film ever made actually. It was, that way it was promoted actually. तो इसके लिए आपने कुछ ऐसे नहीं, because this is very close to art and you said like it's a kind of a dream. तो इसके लिए ऐसा कोई powerful tagline कुछ नहीं सोचा था? See, उस वक्त आपको मैं बताऊं कि मेरी बहुत insecurity थी परिंदा के time. परिंदा का जो वो bird है ना, वो एक cigarette आता था silk cut. हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम बर्ड ड्रॉ कर सकें, तो वो सिगरेट के पैकेट से मैंने उठाया था वो बर्ड. और मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड इसलिए लिखा था क्योंकि उस वक्त सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी और बहुत पावरफुल होती थी, हमारी तो होती नहीं थी. तो हमने वो झूठ लिख दिया था कि लोग देखें कि मोस्ट पावरफुल फिल्म, और खाली बर्ड था कि ये है क्या पिक्चर. तो सबको लगा कि इसमें अमिताभ बच्चन होगा क्योंकि मोस्ट पावरफुल फिल्म उनके बगैर तो बनती नहीं है. तो वो सब धोखाबाजी थी, तो वो इसमें हमको करने की जरूरत नहीं है. अगर ब्रोकन हॉर्सेस आपको बॉलीवुड में बनानी हो तो आप बॉलीवुड में से क्या लगता है किसे कास्ट करेंगे हु वुड सूट द रोल ऑफ बोथ ब्रदर्स? See, it's very difficult to say, but I must say that I'm very fortunate to be sitting with two of the finest actors we have in Hindi cinema, Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Aamir Khan. They are really the best. And I don't know. I haven't thought about remaking it. I haven't thought of that. But I'm privileged to be here with these gentlemen, and I'm very grateful to them for being here for me and for the movie. Chopra ji. Jaakir ji. Haan, sir. Kisi film ko hit karane mein राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है. आप चाहते तो हॉलीवुड का टॉप का राइटर ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया. इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरा जो अभिजात जोशी राइटर है वो हॉलीवुड के टॉप राइटर से बहुत ज्यादा टॉप है. उनको पता नहीं, हमको पता है. विदु सर, योर ऑन योर राइट, एक्सट्रीम राइट. माई सेल्फ वैशाली चंद्रा फ्रॉम कोयमोई. माई क्वेश्चन इज हाउ डिफरेंट द डायरेक्टोरियल अप्रोच और द स्क्रिप्ट राइटिंग वॉज सिंस दिस बीइंग एन हॉलीवुड फिल्म. You know, it was very different. Actually, one of the things Alfonso Cuarón said, and I don't know whether it's here or not, his first, he had seen 1942, A Love Story. So Alfonso Cuarón's first reaction was, he was with me in London, and I was there for that screening with him. He said, I'm overwhelmed. And the first thing he said, which didn't strike me, he said, you know, this is not the grammar in which you have ever worked. This is a completely new cinema. You understand Vinod, and he speaks with that Mexican accent, which is very cute. He says, Vinod, you know, what have you done? This is, you know, such a smooth transition. So this was very different. Everything was different. When you will see this film, jab mera naam aayega end mein, Vidhu Vinod Chopra director, tabhi aapko samajh mein aayega ki yaar ye toh humare Indian writer director ne direct kiya. Nahin, aap bhul jayengi film mein. Bilkul bahut hi alag hai. Mr. Singh, mera sawal aapse hai. उसी दिन और भी फिल्में आ रही हैं, 10 अप्रैल को बॉलीवुड की भी फिल्में आएंगी, तो इसको प्रमोट करने के लिए किस तरीके से आप तैयार हैं, क्योंकि पहली अपने भारत के लिखे हुए इंसान की फिल्म हॉलीवुड तरीके से रिलीज होगी? देखिए, आई थिंक वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट एज एन इंडस्ट्री के गेटिंग अ क्लियर वीकेंड फॉर वन फिल्म इज नॉट ईजी. तो मेरा ख्याल हर हफ्ते वी आर सीइंग की मल्टीपल फिल्म रिलीज हो रही, सो दैट्स नॉट अ न्यू फिनोमेनन. But I think more importantly, you know, Broken Horses is a film which our entire team has seen. And I can tell you that every one of us who's seen the film really believes in the film. And I think it all starts with that. And I think you're going to see that the kind of, the manner in which we're going to be setting up the film and promoting the film, etc., between us and Star Broadcaster, which is part of our sort of larger group, is something that has not been done for any Hollywood film. And, you know, we release quite a few Hollywood films. So I think the film is special, and I think the marketing and the setup of the film will be equally special. But let it unfold. And I think where we need your help is, as Vidhu was saying, we need a lot of young people to understand that here comes a film which is high quality film, great entertainment, and then makes all of us as Indians feel really proud that, you know, we as Indians have actually made a completely Hollywood quality film. Vinod, sir, my question. I'll tell you one joke on that. There's a world famous doctor, you can Google him, Dr. Indy Gill. He's the number one urologist in the world. He was my doctor and spoke to me. He lives in America, so proper American, you know. Yes, Mr. Chopra, sure, we can do that. So wo film dekhne aaya. Aur bahut 300-400 log the. To main, I was involved with the reaction. To Abhijat ko yaad hoga shayad ke wo phir aaya
उतर के और मेरे को पहली बार पंजाबी में ऑलमोस्ट ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड सर तुसी ये पिक्चर बनाई है कमाल कर देते वो कभी हिंदी बोला ही नहीं उसने मेरे साथ तो ही वाज एज एन इंडियन ही फेल्ट वेरी प्राउड एंड आई वाज वेरी टच्ड बाय हिज रिएक्शन सो आई थिंक मोस्ट इंडियंस हु कंप्लेन अबाउट अस अबाउट आवर सिनेमा कि हम लोग यार ऐसा सिनेमा आई थिंक एटलीस्ट हियर इज एन अटेम्प्ट We may fail or succeed, but here is an attempt on doing something that will make them all proud. It has made us very proud. And it's the first time that Shantanu Moitra, who's sitting here, actually worked with John Debney, the music director. Music is composed by John Debney and Shantanu Moitra. It's never been done. Recorded in Macedonia, out of LA. Never been done. Abhijat and me writing a film, never been done. So it's been nice. It's been wonderful. Vinod sir, on your right. Hi, this is Priyanka Jain. I work for the Quint. My question to you is, your short film had gone for the Oscars. And this is a Hollywood film which by itself can, you know, go to the Oscars. Is there that dream? And would you be sending it to the Oscars? Next year it will be valid. If it's good enough, it will go there. If it's not, it won't. Thank you. Amit sir, here. Straight. Amit sir, just a couple of days back, you know, JRJ had in an interview actively supported the ban that has been placed on the documentary of Nirbhaya. Are you in agreement with JRJ or would you rather say that the freedom of expression shouldn't be cut? Can we restrict questions to this movie, please, for today? I would be very grateful if we restrict to cinema, to this movie and to the fact that we can actually go out to the whole world and, you know, make films here that makes everybody proud. Members of the media, last two questions, so we'd like to request you to... Actually, मेरे लिए भाषा या ज़बान important नहीं है. जो creative material है, वो मुझे excite करना चाहिए. भाषा मुझे आनी चाहिए, तो ज़ाहिर है मुझे दो ही भाषाएं आती हैं इस वक्त. अभी तीन आती हैं. तो मराठी भी आती है ना अभी. तो थोड़ी बहुत आती तो कहने का मतलब ये है कि कहानी अच्छी हो स्क्रिप्ट अच्छी हो मुझे एक्साइट करे तो जो आज तक जो भी मुझे ऑफर्स आए हैं बाहर से वो उसमें से किसी स्क्रिप्ट ने मुझे एक्साइट नहीं किया इसलिए अभी तक मैंने किया नहीं फुल फ्लेज रोल के लिए जो ऑफर्स आए वो अभी तक मुझे कोई एक्साइटिंग नहीं लगा है तो चाहे वो चाइना की हो अमरीका की हो दुनिया में कहीं भी फिल्म जहां बन रही है अगर वो मटेरियल मुझे एक्साइट नहीं करता है तो फिर मतलब ही नहीं बनता है फिल्म करने का अब हम कोशिश करेंगे कुछ लिखेंगे अगर ये एक्साइट हो गए क्यों अभी जात आई वुड बी वंडरफुल टू वर्क विद मिस्टर बच्चन एंड आमिर खान इन एन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस सो लेट्स एम फॉर दैट ये सवाल अमित जी और आमिर आपसे है और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं एज ए हिंदी दर्शक हिंदी समीक्षक हिंदी पत्रकार लेकिन हमारा मन है हम संदेह भी करते हैं हर सफलता में ये शुरुआत बहुत अच्छी है इसका स्वागत होना चाहिए मेरा ये सवाल है कि अगर टैलेंटेड लोग अंग्रेजी फिल्में बना रहे हैं वहाँ सफल हो रहे हैं आप दोनों जो बहुत ही एक्टिव हैं विद्युत खुद भी अगर ये अंग्रेजी का ट्रेंड चलता है जैसे इंडिया की इंग्लिश राइटिंग चलती है इंडिया की इंग्लिश फिल्म मेकिंग चलेगी कैसे देख पा रहे हैं इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होगा या आगे किस तरीके से मेकर्स हमारे ज़्यादातर मेकर्स अंग्रेजी में ज़्यादा दक्ष हैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं मुझे एक खतरा दिख रहा है कि अंग्रेजी फिल्म मेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी और हिंदी का प्रभाव थोड़ा कम होगा मैं एक खतरे के तौर पे देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता ऐसा होगा मुझे नहीं लगता जैसे मैं आपको अपनी बात करता हूँ मेरा जो रिश्ता है अपने देश से अपने देश के लोगों से वो बहुत गहरा है और वो टूटने वाला नहीं है मेरा मन नहीं करेगा कि मैं कहीं बाहर जाके काम करूँ मेरा मन यही है और मैं यही करूंगा एक आध अगर फिल्म कोई अच्छी लगी जैसे आपने बताया कोई बहुत ही अच्छी कहानी आए चाहे वो अमेरिका से हो चाहे वो जापान से हो कहीं से भी हो अगर वो कहानी अच्छी तो मैं तैयार हूँ करने के लिए लेकिन मैं इमोशनली यहीं का हूँ और मैं यहीं रहूंगा तो ये खतरा आपको मुझसे नहीं होगा नहीं और ये खतरा आपको हमसे भी नहीं हो सकता क्योंकि हम वहाँ 6 महीने रहे जब हम वापस आए हिंदुस्तान तो मेरी बच्ची जूनी इतनी सी थी और अग्नि वो एयरपोर्ट पे मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स को हक करने लगी सो नाइस टू बी बैक सो मतलब कि हम बिल्कुल हिंदुस्तानी ऊपर से नीचे तक हैं वहाँ काम करेंगे सिर्फ इसलिए कि अपने देश का नाम हो हमारा नाम वहाँ तक पहुँचे लेकिन वहाँ रह के वहाँ बसना वो तो पॉसिबल ही नहीं है फैंटास्टिक ऑन दैट नोट मेंबर्स ऑफ द मीडिया नो मिस्टर बच्चन हैज टू आंसर दैट देयर इज अ क्वेश्चन वाज पोस्ड टू हिम वी हैव आंसर्ड
यदि मुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहां पर मुझे चुनना हो एक हॉलीवुड की फिल्म या अपने भारत की बनी हुई फिल्म, तो मैं जो अपने देश की फिल्म है उसे चुनूंगा। Fantastic. Members of the media, we are opening the session for the photo opportunity. तो आपसे दरख्वास्त है कि आप for joining us here this afternoon. Broken Horses, April 10th. Thank you.
The photo later after the Q&A, so we'd like you to cooperate. Thank you. Thank you, Mr. Singh. Important thing for me, and you know, I was traveling with Amir, we were talking in the car. You know, we have made films, I have made films now in this country for almost 37, 38, 39 years. But Broken Horses really is much more, it's not really a film for me, it's like a dream. Shano Devi Rabish Aye Apo Bhavan Tupi Tae. So, DAV school mein, हम लोग पूरी धर्म शिक्षा करते थे और दसवीं जमात आठवीं जमात में एबीसी सीखा था 16 साल के थे तो ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन एक वहां के लोग जैसे मिस्टर जिम कैमरॉन हैं अल्फोंसो कुआरोन जिन्होंने देखी इतनी तारीफ करेंगे तो मेरे लिए ये बहुत एक ऐसा सपना है कि इसको मैं फिल्म ही आई एम वेरी ग्रेटफुल दे आर हियर to speak because sabse zaruri kya hai ki this is just a passion it is really madness ke jab main aur abhijat joshi likhna humne shuru kiya to it was just complete madness ke humne kaha ab hum english mein film ke humne kaise likhna shuru kiya aur ek bada interesting kissa hai ke jab main ye film likh raha tha one of the trailers I'll say a few words a little later on, but right now, just like to announce the launch of the first trailer of Broken Horses. Mike, this one. Film है वो launch की जा रही तो मेरी शुभकामनाएं हैं विनोद के साथ और इतने नामचीन और काबिल directors हैं उन्होंने एक film बनाई है जो इतनी पसंद की जा रही है और मुझे भी बेसब्री से इंतजार फिल्म देखने के लिए तो आइए हम इसका दूसरा ट्रेलर देखते हैं विद दिस टू ट्रेलर्स एंड आई एम श्योर दैट दिस फ्यूजन ऑफ ऑल दैट
हेलो मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा चुननी पड़ी? मैं वो एक डायरेक्टर के तौर पे, एक लेखक के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ जी, क्या है बनाएंगे फिर हम आए बंबई शहर में, और हिंदी फिल्म भी एक बनाना बहुत बड़ा सपना था, और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ है, क्योंकि इनको शायद याद होगा कि जब मैं बंबई शहर में पहली बार आया था तो मैं अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके इनके पास गया था। ये आज भी बहुत बड़े स्टार हैं, तब भी बहुत बड़े, और नटराज स्टूडियो में मैंने बुक किया था जगह, तो सारा दिन मैं वहाँ खड़ा रहा, वेट किया। इन्होंने शाम को अपनी गाड़ी में बैठे, मैं भी इनकी गाड़ी में बैठा जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था, मैंने बाथरूम यूज़ किया था चलती गाड़ी में पहली बार जिंदगी में। तो फिर हम गए, इन्होंने फिल्म देखी नटराज स्टूडियो में, मर्डर एट मंकी हिल, और मुझसे कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर। तो मैं बहुत हंसने लगा, मैंने कहा सर माय स्ट्रगल। अमिताभ बच्चन ने उस वक्त मेरा, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था, तब उन्होंने इन ए वे मेरे को इतना इनकरेज किया। दैट्स व्हाई आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट ही इज हियर टुडे। एंड सेम वे आफ्टर परिंदा, आफ्टर फोटो, फिर एक और सपना मन में आया कि एक वहां फिल्म बनाए जहां, जिसकी वहां के लोग तारीफ करें। सो फिर वो इंग्लिश हमको उतनी अच्छी आती नहीं थी। अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं, वो विद्या विहार नो छोकरों हैं गुजराती में, और हम कश्मीर के लगे। विक्रम चंद्रा जो हमारी वाइफ के बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर हैं, अभिजात को याद होगा, जब हम पहले स्क्रिप्ट लिख के विक्रम को भेजते थे तो वो स्क्रिप्ट फाड़ फाड़ के हमको भेजता था और कहता था रबिश शिट, आपको याद है अभिजात? तो हम हंसते थे। एक बार उन्होंने एक पेज पे कुछ नहीं लिखा तो हम खुश हो गए कि हमारे पेज पे कुछ नहीं लिखा, भैया बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये ऐसा सपना है जिसको देखना ही बहुत बेवकूफ़ी की बात है, और उसको पूरा कर देना मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द ओनली थिंग दैट ड्रोव मी रियली। मिस्टर चोपड़ा, आरजे कि आप एक रुपए दे करके भी साइन कर लेते हैं एक्टर्स को, तो इस फिल्म के लिए जो एक्टर्स आपने चुने हैं हॉलीवुड के, क्या किस तरीके की साइनिंग रही अगर आप? लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच इज अगेन अनबिलीवेबल। विंसेंट डिनोफियोज एजेंट टोल्ड देम नॉट टू बोर्ड द प्लेन, ही वॉज इन न्यूयॉर्क। And he told me, my agent is saying, I'm not boarding the plane. So I said, but with all of them actually helped me make this film. Tom Stern, my cameraman, is Clint Eastwood's cameraman. He just made American Sniper. All of them came at literally half their salary to do this film. This film would not be possible without the... Sir, filmen, jab angrezi filmen Hindi mein release hoti hain, to Hindi naam bhi usko diye jaate hain. To isko bhi koi aap Hindi naam denge ya same title se? Ji, main chahta hoon ki ye film ki ek apni... आइडेंटिटी रहे, ब्रोकन हॉर्सेज, और ब्रोकन हॉर्सेज बट ऑफ कोर्स दैट वाज आवर टेक ऑफ पॉइंट। मिस्टर बच्चन, आमिर हॉलीवुड ऑन योर लेफ्ट, बोथ ऑल रिस्पेक्टिवली व्हिच यू थिंक विल बी इंप्रेसिव, इज अ फॉरेन फिल्म या फिर इंडियन फिल्म? दे हैव नॉट सीन ब्रोकन हॉर्सेज। देखिए, साल में बर्डमैन और इन्विटेशन गेम और विप्लैश, बट माय वो क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, ब्रोकन हॉर्स नहीं नहीं ग्रैंड बुडापेस्ट, वेरी गुड, ग्रैंड, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म, ग्रैंड बुडापेस्ट फिल्म मुझे बेस्ट लगता है, वेस एंडरसन, बहुत बहुत प्यारी फिल्म, वो मेरी फेवरेट फिल्म। तो साल का मध्य है, पूरा साल जाने दीजिए फिर बताएं आपको। अच्छा सर, आमिर का बर्थडे आ रहा है, इनका 50वां जन्मदिन आ रहा है, किस तरह अरे 50 साल हो गए तो भी वेलकम टू द क्लब। मिस्टर आमिर खान, दे आर रियली द बेस्ट, एंड आई डोंट नो, आई हैवंट थॉट अबाउट रीमेकिंग इट, आई हैवंट थॉट ऑफ दैट, but I'm privileged to be here with these gentlemen and I'm very grateful to the other topic. Unko pata nahi, humko pata hai. Vidhu sir, you're on your right, extreme right here. Myself, Vaishali Chandra from Koimoi. My question is how different the directorial approach or the script writing was since this being in... So Alfonso Cuarón's first reaction was, he was with me in London and I was there for that screening with him. He said, I'm overwhelmed. इंडियन राइटर डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, नहीं आप भूल जाएंगी फिल्म, बिल्कुल बहुत ही अलग है। मिस्टर सिंह, मेरा वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इन इंडस्ट्री के गेटिंग अ
चेयर वीकेंड फॉर वन फिल्म इज नॉट इजी. तो मेरा ख्याल हर हफ्ते वी आर सीइंग कि मल्टीपल फिल्म्स रिलीज हो रही. सो दैट्स नॉट अ न्यू फिनोमेनन. बट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंटली यू नो ब्रोकन हॉर्सेस इज अ फिल्म व्हिच आर रियली द लीड्स इन द फिल्म एंड आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट. And I think you're going to see that the kind of manner in which we're going to be setting up the film and promoting the film, etc., between us and Star Broadcaster, which is part of our group, is so I think the film is special, and I think the marketing and the setup of the film will be equally special. But let it unfold, and I think where we need your help is, as Vidhu was saying, we need a lot of young people to understand that here we're really proud that, you know, we as Indians have actually. I'll tell you one joke on that. There's a world famous in America, so proper American, you know, yes, Mr. Chopra, sure, we can do that. So wo film dekhne aaya aur bahut 300-400 log the. So I was involved with the reaction. So Abhijat ko yaad hoga shayad ke wo phir aaya. Bilkul kabhi hindi bole hi nahi usne America. So he was as an Indian, he felt very proud, and I was very touched by his reaction. So I think most Indians who complain about us, about our cinema, ke hum log yaar aisa cinema, I think at least here is an attempt. We may fail or succeed. Would you rather say that the freedom of expression shouldn't be? Can we restrict questions to this movie, please, for today? I would be very grateful if we restrict to cinema, to this movie, and to the fact that we can actually go out to the whole world. एक्चुअली मेरे लिए भाषा या जबान इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो क्रिएटिव मटीरियल है वो मुझे एक्साइट करना चाहिए. भाषा मुझे आनी चाहिए, तो जाहिर है मुझे दो ही भाषाएँ आती हैं इस वक्त, अभी तीन आती हैं. तो मराठी भी आता था तो थोड़ी बहुत आता. तो कहने का मतलब ये है कि कहानी अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, मुझे एक्साइट, वो अभी तक मुझे कोई एक्साइटिंग नहीं लगा है. तो चाहे वो चाइना की हो, अमरीका की हो, दुनिया में कहीं भी फिल्म जहां बन रही है, अगर वो मटेरियल मुझे एक्साइट नहीं करता है तो फिर मतलब नहीं बनता है फिल्म. अब आप कोशिश करेंगे, कुछ लिखेंगे अगर ये एक्साइट हो गए, क्यों अभी जान. आई वुड बी वंडरफुल टू वर्क विद. अगर ये अंग्रेजी का ट्रेंड चलता है, जैसे इंडिया की इंग्लिश राइटिंग चलती है, इंडिया की इंग्लिश फिल्म मेकिंग चलेगी, कैसे देख पा रहे हैं इसको? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होगा या आगे किस तरीके से मेकर्स, और ज़्यादातर मेकर्स अंग्रेजी में ज़्यादा दक्ष है, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं. अब मुझे एक खतरा दिख रहा है कि अंग्रेजी फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हिंदी का प्रभाव नहीं रहूँगा. तो ये खतरा आपको मुझसे नहीं होगा और ये खतरा आपको हमसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम वहाँ 6 महीने रहे. जब हम वापस आए हिंदुस्तान तो मेरी 25 दूरी इतनी सी थी, और अग्नि वो एयरपोर्ट पे मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स को हग करने लगी, सो नाइस टू बी बैक. सो मतलब कि हम बिल्कुल हिंदुस्तानी ऊपर से नीचे तक गए. वहाँ काम करेंगे सिर्फ इसलिए कि अपने देश का. Fantastic. On that note, members of the media. No, Mr. Bachchan has to answer that. The question was posed to him. We have answered. यदि मुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहाँ पर मुझे चुनना हो. माइक्रोफोन साइलेंस पे ना. वो साथ चलना भी है. प्रदीप भाई थैंक यू कब बोलोगे? प्रदीप भाई थैंक यू. Okay, now let's take a picture with the crew. Abhijat. Haan ji. Sir, sir, sir. Sir, sir, sir. हेलो चेक 1 2 3 चेक 1 2 3.
हेलो चेक 1 2 3 चेक 1 2 3